मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने नागा में आके यहां इफ्तिताह करके बेनिफिशरीज के साथ जो हमें टाइम दिया है खाना खाने का, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूं। हमारे साथ राइट पे गवर्नर साहब के साथ मेंबर बलूचिस्तान हैं कलथूम पानेजई, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें पनागा और एक्सप्रेस पनागाएँ, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक जिस तरह से वो बेनिफिशरीज के बारे में सोचते हैं, मेहनत कश मजदूर लोगों के बारे में सोचते हैं और उनको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ फूड देना चाहते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए हमने इस्लामाबाद से ऑफिशियल विजिट पे यहाँ बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज़ में हमने एक प्लान बनाया जिसके तहत हमारी जो पनागाहें हैं उसको इनोग्रेट करना, ऑपरेशनल करना, एक्सप्रेस पनागाहें को ऑपरेशनल करना, उसके साथ साथ ये तकरीबन 7 जो अजला हैं बलूचिस्तान के उनको विज़िट करना, ये 3 दिन पर मुहित हमारा प्लान था और उस पर हमने खरान, नौशकी और वशूक, उसके अलावा मस्तोंग और चमन के अलावा और हमने दीगर जो अजला हमने उनको विज़िट किया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देके एक्सप्रेस पनागाहें उनको लॉन्च किया और चमन में हमने पनागाह को लॉन्च किया। अब यहाँ पर हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि उनकी बड़ी मेहरबानी है उसको यहाँ लॉन्च करने के लिए, ऑपरेशनल तो है लेकिन इसको अफ्ताह करने के लिए जो गवर्नर साहब जो हैं वो आए हैं, इनकी मेहरबानी है, हम इनको वेलकम कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक आगे भी हम बलूचिस्तान के गरीब लोगों के लिए उनके डाउन रोडन एरियाज़ में पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो कमिटेड है प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक, इंशाल्लाह ताला फर्दर भी हम ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां पर मेहनतकशों को, गरीबों को ज़रूरत है उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। तो प्लीज़ गवर्नर साहब, प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम होती हैं वो हस्तियाँ दुनिया में जो अल्लाह ताला की मखलूक, उस उन मखलूक की जो बेचारे हालात में मुश्किलात से दुनिया में उनसे घिरे हुए लोग होते हैं, वो माशरे में आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किलात होते हैं। उन लोगों को हाथ दे के उन लोगों के बराबर लाने वाले वो अजीम हस्तियां हमेशा तारीख में याद रहती हैं और उनको तारीख के जो बुक्स होते हैं वो हमेशा अपने ओराक में, सफ़ों में महफूज कर लेते हैं और दुनिया जब तक रहती है उनको लोग याद करते हैं। मुझे फ़ख्र है अपने लीडर पे, जनाब इमरान ख़ान पे, जिन्होंने कॉल किया था जब वो इक्तदार में नहीं थे, उन्होंने इस पाकिस्तानी आवाम के साथ ये कॉल किया था कि मैं अपने इक्तदार में आके इन गरीबों का साथ दूंगा जो मसाइल से दो चार हैं, जो मुश्किलात से दो चार हैं और जो आम रूटीन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, वो इस तरह खाना पीना उनको मुयसर नहीं है जिस तरह आम लोगों को। तो वो कॉल आज उन्होंने फेल करके दिखाया अपनी इक्तदार में आके। बहुत लोगों ने मुखालफत शुरू में की लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस प्रोग्राम को पजीराई दूसरे लोगों ने, दूसरी सियासी पार्टियों ने भी इसको पजीराई दी और इसकी अहमियत को उजागर किया और इसको सराहा, मुझे फ़ख्र है अपने लीडर पे कि उन्होंने ऐसा काम किया और वो हमेशा ही ऐसे काम किए हैं इस पाकिस्तान के लिए जो यूनिक काम किए हैं और ऐसे काम किए हैं जो रवायती तर्ज सियासत, जो रवायती तर्ज अंदाज था उससे हट के उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने अपनी अजमत का सबूत दिया है, जो उन्होंने कॉल किया था वो फेल यहाँ करके दिखाया। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, वो रब्बुल आलमीन है, वो गैरतमंद ज़ात है। वो जब देखते हैं कि अब उनका एक बंदा मेरी मखलूक के साथ सिला रहमी करता है और उनको उठाता है, उनके आम लोगों के शाना बशाना लाता है, तो वो बहुत गैरतमंद ज़ात है। वो फिर वो उनके साथ वो कुछ करते हैं कि उनके तसव्वुर में भी नहीं होता, वो दुनिया में एक 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 बहुत बड़े बहुत बुलंदियों पे आ जाते हैं।
जिस तरह आज इमरान खान बुलंदियों पर आ गया है, दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उनके बोलने में भी पावर होती है, लोग उसको समझते हैं और उसको सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी सोच में भी यही कुछ होता है, पावर ऑफ पेनिट्रेशन होती है, वो सोच भी वो लोग मानते हैं कि ये शख्स जो कुछ बोल रहा है ये अपने कॉल और फेल में बिल्कुल यकसा है और वो कॉल और फेल का पक्का है और इसलिए उनकी बात दुनिया आज तस्लीम करती है। तो मुझे फ़ख्र है अपने लीडर पे, मुझे फ़ख्र है अपने MD साहब पे, मुझे फ़ख्र है अपने तमाम जो इमरान खान के साथ जो टीम है उन पे फ़ख्र है जो उनका साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मुझे एक खुशकिस्मती बोले हैं कि आज मैं गवर्नर का सब हल्फ जब सब तक मैंने उठाया और पहली बार मैंने इस अजीम काम का जो इफ्तिताह किया पहली बार, और इंशाल्लाह मैं इमरान खान के इंशाल्लाह शाना बशाना रहूँगा। और मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि या अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं इमरान खान का प्रैक्टिकली उनके साथ दूँ और इन लोगों का जो गरीबों का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है उनके उस बेड़े में उसके उठाने में उनकी मदद करूँ। इधर तकरीबन 1000 बंदे से भी ज्यादा बन गया। जी जी, आप ऊपर भी यार आगे नहीं देखे मोबाइल सर बात मेरे बात है।